मोटो H40 नियो स्मार्टफोन। आज की वीडियो में इसका स्क्रीन ऑन टाइम टेस्ट करने वाले हैं। तो इस स्मार्टफोन में हम यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील देखेंगे, गेमिंग भी करेंगे, साथ में मूवी भी देखेंगे और कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ओवरऑल इस स्मार्टफोन से फुल ब्राइटनेस पर और 5G नेटवर्क पर हमें कितने आवर्स का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है, 5G हमारा अवेलेबल है और ब्राइटनेस को मैंने मैक्सिमम किया हुआ है। तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं स्मार्टफोन पर यूट्यूब पर 4K वीडियो प्ले करने वाला हूं 1 घंटे के लिए। तो हम अपने टाइमर को स्टार्ट करते हैं। तो आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, हमारा स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज्ड है और अब हम अपने टाइमर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को भी प्ले करते हैं और हम इसकी क्वालिटी को रख लेते हैं 4K पर। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी को मैंने 4K पर सेट कर लिया है और हमारी वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो 1 घंटे बाद चेक करते हैं कितने परसेंट का हमें बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है वीडियो देखते हुए और अब हम बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं, हमारी बैटरी कितने परसेंट पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं बैटरी आ चुकी है हमारी 92% पर। तो हमें सिर्फ 8% का बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिला है 1 घंटे यूट्यूब प्ले पर और वो भी हमने 4K में वीडियो देखी थी। ये सारे टेस्ट मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रहा हूँ, रूम में कोई भी फ़ैन वगैरह भी चालू नहीं है। और मैं अगर फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन मुझे बहुत ही स्लाइटली यहाँ से वॉर्म भी फील हो रहा है। तो अब हम 1 घंटे के लिए इस पर गेमिंग करने वाले हैं और देख सकते हैं आप ब्राइटनेस बिल्कुल मैक्सिमम है, 5G हमारा चालू है। तो 1 घंटे के लिए अब मैं BGMI प्ले करने वाला हूँ। तो अपने टाइमिंग को हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक बार गेम की सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ और मैं वायर्ड ईयरफोन्स का यूज़ करने वाला हूँ गेमिंग के लिए। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर मैं गेम प्ले करने वाला हूँ। तो 1 घंटे गेम प्ले के बाद देखते हैं हमें कितना ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो गेम खेलते हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, हम टाइम को स्टॉप कर लेते हैं। और अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करें हम तो हमारी बैटरी आ चुकी है 72% पर। तो हमें 1 घंटे की गेमिंग पर 20% का ड्रॉप मिला है और इस टाइम पर मेरा स्मार्टफोन हीट हो रहा था तो उसके लिए मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था, लेकिन अब दोबारा से फ़ैन ऑफ़ है और अब आगे जितने भी टेस्ट होंगे वो सभी फ़ैन ऑफ होने के बाद ही होंगे। और आप देख सकते हैं बैटरी हमारी 71% पर आ चुकी है। तो यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा भी टाइम हो गया है तो वही हमारा 1 घंटे BGMI पर 20% का हमें ड्रॉप देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम ब्राइटनेस पर और 5G के साथ। तो हम अब स्मार्टफोन में स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम AnTuTu बेंचमार्क रन करेंगे। तो हम टाइम को स्टार्ट कर लेते हैं और अपना टेस्ट रन करते हैं। एक बार टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप स्कोर देख सकते हैं और टेम्परेचर हमारा पहले 36 डिग्री था बैटरी का और अब आ चुका है 40 डिग्री पर। तो एक बार और दोबारा से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और देखते हैं बैटरी का टेम्परेचर कितना पहुँचता है हमारा। तो एक बार और टेस्ट हमारा परफॉर्म हो चुका है और अगर मैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करूँ तो सिमिलर ही हमें स्कोर देखने के लिए मिलते हैं और इस बार जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम पहुँच चुका है 44 डिग्री तक। और मैं अभी 15 मिनट के लिए स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ, CPU थ्रोटल टेस्ट। तो देखते हैं स्मार्टफोन इतना हीट होने के बाद भी जो थ्रोटलिंग है उसको कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं। थ्रोटल टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन काफ़ी हीट हो चुका था फिर भी कितना अच्छा थ्रोटल ग्राफ आया। यहाँ पर देख सकते हैं आप 91% तक मैक्सिमम में परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। तो स्मार्टफोन अगर जो हमारा हीट भी होगा तब भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन नहीं होगी और मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है कि हमारा स्मार्टफोन काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब बाकी 3 घंटे पूरे करने के लिए मैं यहाँ पर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। तो 4K 60 FPS पर मैंने सेट कर दिया है और अब हम 15 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे टेस्ट को और स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन अब भी हमारा पूरा हीट हो चुका है। तो बैटरी आ चुकी है हमारी 53% पर। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में भी हमें लगभग 18% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है 1 घंटे में। तो अब मैं 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और हमारी रील्स भी यहाँ से चालू हो जाएंगी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर हमारा स्मार्टफोन काफ़ी हीट हो चुका था, मुझे काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा है, स्क्रीन की तरफ से भी हीट है और बैक साइड से भी स्मार्टफोन काफ़ी हीट है। तो 1 घंटे के लिए रील्स देखते हैं फिर देखते हैं बैटरी में हमें कितना परसेंट का ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो रील्स देखते देखते भी हमें 1 घंटा कम्प्लीट हो गया है। और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो बैटरी देख सकते हैं आप, हमारी बैटरी आ चुकी है 41% पर। तो लगभग 12% का हमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है और बैटरी आ गई है 40% पर। तो 4 घंटे में अभी हमारी
40% बैटरी रिमेनिंग है। तो अब मैं 5G नेटवर्क पर एक मूवी प्ले करने वाला हूँ जियो सिनेमा पर 2 घंटे के लिए। देखते हैं 2 घंटे में हमें कितने परसेंट का बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। क्वालिटी को मैंने हाई पर सेट कर दिया है। तो 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो बैटरी देख सकते हैं आप, बैटरी आ गई हमारी 22% पर। तो 2 घंटे हमने जियो सावन पर मूवी देखी है और हमें बैटरी में 18% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद ये स्मार्टफोन मैंने रख दिया था और उसके बाद लगभग फिर दोबारा से 6 घंटे हो चुके हैं और 6 घंटे बाद बैटरी आ चुकी है हमारी 19% पर। तो मुझे नाइट में सिर्फ 3% का ही ड्रॉप देखने के लिए मिला है और मैंने 5G डाटा ऑन भी किया होता तब भी मुझे नाइट में कुछ एक्स्ट्रा ड्रेन देखने के लिए नहीं मिला है बैटरी में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी उसे जियो सिनेमा 2 घंटे, बैटल ग्राउंड 1 घंटे, इंस्टाग्राम 1 घंटे, यूट्यूब 1 घंटे, बाकी सीपी थ्रोटल, एंटूटू बेंचमार्क वगैरह। तो ये सभी टेस्ट आपके सामने हैं और अगर मैं 6 आवर्स कंप्लीट होने के बाद इसमें गेमिंग भी करता तो कम से कम 1 घंटे की गेमिंग मेरी ये स्मार्टफोन करा देता। तो 2 घंटे गेम प्ले के साथ भी ये स्मार्टफोन आपको 7 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी अच्छा है। स्मार्टफोन हमारा काफ़ी स्लिम है लेकिन तब भी हमें बैटरी बैकअप काफ़ी सही मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। बाकी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो मोटो एज 14 नियो में अभी तक तो हमें कोई भी बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आगे कोई अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट कर सकते हो। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बाकी टेस्ट की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में नहीं मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।